छपरा शहर के भगवान बाजार थाना अंतर्गत कटरा मोहल्ले में दवा व्यवसायी को चाकू घोंप कर 36,000 रुपये लूट का मामला सामने आया है। दवा व्यवसायी भगवान बाजार थाना क्षेत्र के खजांची मंदिर कटरा निवासी 45 वर्षीय विकास प्रसाद बताए गए हैं, जो कि रुद्र फार्मा नाम से दवा का दुकान संचालन करते हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दवा दुकान पर पानी पीने के लिए को पहुँचा और जबरदस्ती गले से 36,000 रुपये निकाल लिया। विरोध करने पर चाकू घोंप कर वे लोग फरार हो गए। रिपोर्ट हलचल 24। ये क्या घटना हुई है? सर, मेरा नाम विकास प्रसाद हुआ, पिताजी का नाम श्री निर्मल कुमार हुआ। बहुरिया कोठी के पास मैं रुद्रफार का फरवा चलाता हूँ, दवा की दुकान। वहाँ पर मिथिलेश सिंह का लड़का निकेश कुमार आया और हमसे साढ़े आठ की बात है, 8:40 में पानी मांगा। तो हम उसको पानी का बोतल दिए तो बोला कि भैया बैठ के अंदर पी लिया, मेरे पी लीजिए। तो पिया और गल्ला में हाथ लगाना, तो जब हम उसका विरोध किए तो हमको फटाक से चाकू निकाल के मारा और उसके साथ दो लड़के और थे। उसको जब धकेले तो वो दूसरा आके पीछे से चाकू मारा और गर्दन से चिकरी निकाल लिया। और पार्टी का पैसा मैं प्रशांत फार्मा से निकाल, दवा का पैसा रखा हुआ था कि दूंगा उसको। टोटल पैसा मेरे गले में 35,000 था, उन्होंने ले लिया और मेरे चार चाकू मारा, मैं नीचे गिर चुका था। तब लोग आए, लोगों ने हमको उठाया, तब मैं हॉस्पिटल आया। बयान हो गया।